नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ बड़े न्यूज़ जीएलआर के सेल्स को लेकर के आए हैं। 12 मई को इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, इस समय इसमें थोड़ा कॉशन रहने की ज़रूरत है, लेवल्स को समझेंगे। इससे पहले आई होप कि आपने प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि हमारा मकसद जो है इंडिया के सभी रिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना, जिसमें आपका सहयोग हो। आप चाहे तो हमारे जो लिंक है उससे अकाउंट ओपन करें, जिससे कि आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बाकी आप चाहे तो 1500 के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां ऑप्शन और स्टॉक के पूरे सजेशंस आप तक व्हाट्सएप के थ्रू मिलते हैं। यहां देखेंगे तो 480 का प्राइस दिख रहा है, ये ट्रेंड तो आपको क्लोजिंग निगेटिव दिख रहा है, लेकिन मेरा व्यू स्पेशली इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी स्ट्रांग है। और इसके पीछे के कारण है 170% का ग्रोथ ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स के अंदर। यहाँ देखेंगे तो हमने ओवरऑल सेल्स देखा था अप्रैल का, तो उसमें 4% के आसपास के डिक्लाइन दिखे। इस समय जीएलआर के यूके के सेल्स को हमने देखा, जहाँ 16% यानी 16% डाउन ट्रेंड दिखा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5642 यूनिट के कंपेटिटिवली 4722 यूनिट्स ही कंपनी बेच पाई है, लेकिन जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेशन मुझे है कि काफ़ी बेहतर नंबर्स कंपनी डिक्लेयर करेगी और ये ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर साइड दिखेगा। रिसेंट के जो न्यूज़ थे ये वही सब न्यूज़ हैं, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा न्यूज़ नहीं है जो इसके ट्रेंड को 10-20% ऊपर या नीचे लेकर के आए। और यहाँ एक बड़ी और अच्छी खबर ये है कि म्यूचुअल फंड जो है कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, जो भी जिसके रिटर्न काफ़ी बेहतर रहे हैं, उसने इस स्टॉक को एड ऑन करा है अपने म्यूचुअल फंड के जो बकेट होते हैं स्टॉक्स के उसमें। और यहाँ डिलीवरी के साथ साथ जो टेक्निकल ट्रेंड है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको निगेटिव दिखेगा, लेकिन इससे पहले जो मार्जिन रहा है यहाँ ऑटो सेक्टर कितने 7%, जबकि ये स्टॉक लगभग मोर देन 13%। तो ये जो मार्जिन होता है ना ये सेक्टर और स्टॉक के बीच का, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ रेड दिख रहा है। लेकिन जो ट्रेंड देखेंगे, जो लोअर लो लोअर हाई ट्रेंड थे वो कट चुका है। इस समय 484 के एक लास्ट रेजिस्टेंस, इसके बाद सीधा 530, 600 और 800 तक के लेवल्स में नेक्स्ट वन ईयर में इस स्टॉक के अंदर देख रहा हूँ। हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो, आपको कन्विक्शन नहीं हो, इग्नोर करेंगे मेरी बातों को, गलत है आप छोड़ दें। लेकिन अगर आपका कन्विक्शन मेरे साथ है, आपके व्यूज़ हमारे व्यूज़ से मिलते हैं, तो श्योरली एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक फ्रॉम ऑटो सेक्टर ये स्टॉक होते हुए दिख सकता है। किस प्रकार से 380 से 480 हमने देखा, यहाँ भी लोग डर रहे थे, अभी यहाँ भी डर रहे हैं। जब 800 देखेंगे तो वहाँ भी डरेंगे, जो डरने वाले हैं वो डरते रहेंगे, जो पैसे बनाने वाले हैं वो बनाते चले जाएंगे। थैंक यू।